नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्वालियर महानगर में लगा हुआ है शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का 7 घंटे का लॉकडाउन, जिसके चलते आज महानगर में फूलबाग चौराहे पर पुलिस द्वारा लगाई गई चेकिंग, जिसमें कई लोगों के काटे गए चालान और कई लोगों को अपने घरों में रहने की दी गई समझाइश, कई लोगों को लगवाया गया मास्क। वहीं सिंधिया चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लोगों के चालान काटे गए। वहीं इंदरगंज थाना के पास थाना पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग, जिसमें कई लोगों के चालान काटे गए और कई लोगों को रोक रखा और उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, नहीं मान रहे लोग। वहीं पुलिस द्वारा बराबर की जा रही है सख्ती। आज ग्वालियर महानगर में कहीं कहीं दिखी पुलिस की सख्ती तो कहीं कहीं लोग घूमते आए नजर, कहीं कहीं दुकानें भी खुली नजर आई हैं। वहीं मेन बाजारों में छाया रहा सन्नाटा। ग्वालियर चंबल संभाग ब्यूरो जितेंद्र सिंह गौरव की रिपोर्ट। Gracias.